नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। प्रतापगढ़ हो या फिर कोई भी स्थान हो, हर सामान्य व्यक्ति, मध्यम वर्गीय व्यक्ति आज अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दो पहिया यानी बाइक का इस्तेमाल जरूर करता है। आज बाइक किसी के लिए जरूरी तो किसी के लिए मजबूरी है, किसी के लिए खिलौना तो किसी के लिए शौक है, लेकिन दो पहिया वाहन लगभग ज्यादा आबादी अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए करती है। बात करें प्रतापगढ़ की तो यहाँ पर 18 से 25 साल के युवाओं की शहर से लेकर गांव तक कुछ ज्यादा ही चहलकर्मी रहती है। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस कभी लोगों की गाड़ी में से चाबी निकाल लेती है तो कभी हेलमेट न पहनने पर उनका चालान काटा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस द्वारा अपनाया जाने वाला ये रवैया सही है या नहीं? लेकिन गारंटी है, इस वीडियो को देखने के बाद हर एक पुलिस वाले को देखकर आपको छुपना नहीं पड़ेगा। आइए जानते हैं कुछ ट्रैफिक नियम के बारे में। पहले ट्रैफिक नियम की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस या कांस्टेबल को ये अधिकार प्राप्त नहीं होता है कि वो आपकी गाड़ी से चाबी निकाल ले, ये पूरी तरीके से नियमों के खिलाफ है। दूसरा, एक कांस्टेबल कभी भी किसी व्यक्ति का चालान नहीं काट सकता है, कांस्टेबल को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। हेड कांस्टेबल केवल 100 रुपए तक का ही चालान काट सकता है। चालान काटने का अधिकार केवल एसआई या फिर एएसआई रैंक के अधिकारियों का होना जरूरी है। अगर आप सिख समुदाय के हैं और पगड़ी पहने हुई है या फिर आपके सर में कुछ चोटें आई हैं तो फिर भी पुलिस हेलमेट के लिए आपका चालान नहीं काट सकती है। पांचवा, चेकिंग के दौरान सारे कागजात होने पर पुलिस आपसे परमिट नहीं मांग सकती है, क्योंकि उसे केवल आरटीओ को मांगने का अधिकार है। ये तो ही पुलिस आपके साथ क्या नहीं कर सकती है। लेकिन अब हम जान लेते हैं कि पुलिस आपके साथ क्या क्या कर सकती है। अगर पहली बात उसमें से देखी जाए तो रेड सिग्नल होने के बाद भी आपके निकलने पर, आपके द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पुलिस द्वारा आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। दूसरा, यदि आप चालान की राशि नहीं भर सकते हैं तो पुलिस द्वारा आपका वाहन जब्त किया जा सकता है। तीसरा, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी होने पर यानी ट्रिपलिंग होने पर आपका 100 रुपए का चालान भरना पड़ सकता है पकड़े जाने के बाद। चौथा, वाहन चलाते समय फोन से बात करने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और 3 महीने तक लाइसेंस जब्त करने का भी प्रावधान है। पांचवा, ज्यादा प्रेशर हॉर्न यानी अगर बाइक में आप ट्रक का हॉर्न लगाकर चल रहे हैं तो उसके लिए भी 100 रुपए या इससे अधिक की राशि का चालान हो सकता है, इसलिए ऐसे हॉर्न से आप बचें। तो अगर इन सब में हम समराइज करें तो कोई भी पुलिस या कांस्टेबल आपको कहीं भी किसी भी रूप में परेशान नहीं कर सकता है, आपकी गाड़ियों से चाबी नहीं निकाल सकता है। तो अगर आप शहर आते हैं या कहीं भी आप पुलिस कांस्टेबल या ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद अगर आपको पुलिस कांस्टेबल परेशान करती है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करा सकते हैं। इसलिए कांस्टेबल को कोई अधिकार नहीं है आपकी गाड़ियों से चाबी निकालने। फिलहाल लाइव प्रतापगढ़ में इतना ही। बाकी से खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।